आइए आप सभी का स्वागत है सोनू होम नीटिंग चैनल में तो मैं सबके लिए एक सबसे अनोखा सॉक्स लेके आई हूँ जो कि पहली बार आप देखेंगे यूट्यूब में 2023 की सबसे खूबसूरत सॉक्स है ये तरीका पहले सिंपल होगी बाद में ये जाके कुछ अनोखा ये बनेगा तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा पूरा देखिएगा तो सबसे पहले ऊन की बात कर लूँ तो उन है फोर प्लाई और जो नीडल है हमारे पास ये दस नंबर की नीडल है यानी सिलाई और यहाँ जो मैंने यहाँ से यहाँ तक इसकी जो धारियाँ बना के रखी है टोटल उनतीस धारियाँ हैं ठीक है आप अपने पैर के अनुसार ये धारियाँ कंप्लीट कर लें तो किस तरह से नापेंगे वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि नापना किस तरह से आपको जैसे ये हमारी एड़ी है एड़ी के पास हम इस तरह से इस सॉक्स को रखें यानी पैर को रखेंगे और इसे खींचेंगे खींचते हुए हमारे यहाँ तक आने चाहिए ये जो हमारे पैर की उंगलियों की जक्कट होती है यहाँ तक ठीक है जिससे हम इस तरह से रखेंगे और इसे हम खींचेंगे तो देख सकते हैं खींचने के बाद ये हमारी लकीर की तरफ आ गई है ना यहाँ तक जिसमें मैंने पचास टोटल फिफ्टी वन फंदे डाले हैं इक्यावन फंदे डाल के रखी हुई इक्यावन फंदे डालने के बाद दोनों साइड से उल्टी उल्टी इसकी बुनाई की हूँ अब यहाँ से दो भागों में हम फंदों को बांट लेंगे ठीक है अब देखिए यहाँ से हम सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं दो चार छः आठ दस बारह चौदह सोलह सोलह और दो अठारह अठारह हम अंगूठा के लिए रखेंगे बाकी जो हमारे फंदे बचेंगे इधर दो चार छ आठ दस बारह चौदह सोलह अठारह बीस बाईस चौबीस छब्बीस अट्ठाईस तीस बत्तीस और एक तैंतीस थर्टी थ्री फंदे हम यहाँ पर रखेंगे उंगलियों के लिए और जो अठारह फंदे हमारे हैं यानी एटीन फंदे हम रखेंगे अंगूठा के लिए ठीक है तो चलिए अब यहाँ से बनाना शुरू करते हैं जिस तरह से हम हर बार बनाते हैं आपको बताते हैं उतना आपको बना लेना है अंगूठा और उंगलियों को भी सिल लेना है उसके बाद इसमें ये अनोखा डिज़ाइन डलेगा ठीक है तो सिंपल सिंपल पहले हम यहाँ पे बुनाई कर लेते हैं या फिर आप यहाँ पे सीधा बने या फिर उल्टा बुनें से एक फंदा उतार लेते हैं और यहाँ पर हम उंगलियों को सीधा ही बना लेते हैं तो यहाँ से हम अठारह फंदों को सीधा बनाएंगे ठीक है सीधी तरफ से सीधी और उल्टी तरफ से उल्टी टोटल मिला के हमें चौदह सिलाइयाँ कंप्लीट करनी है अगर आपका अंगूठा थोड़ा सा बड़ा है तो आप यहाँ पे सोलह सिलाई कर सकती हैं अपने अनुसार क्योंकि ये फैलती भी है इसीलिए देखिए दो चार छः आठ दस बारह एक तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह और ये अठारह अगर आपका अंगूठा थोड़ा छोटा है तो आप यहाँ से सोलह फंदे भी ले सकती हैं ठीक है अब इधर से पलट जाएंगे हम और उल्टी तरफ से सारे फंदों को उल्टा बना लेंगे लेकिन पहला फंदा उतार लें आप अब यहाँ से सारे फंदों को हम उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे तो चलिए इसी तरह से अंगूठे का हम कंप्लीट कर लेते हैं वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए फिर दिखाती हूँ तो इसकी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है अंगूठे की अब उल्टे साइड से दो का एक करते हुए यहाँ पे देखिए हम फंदे को बंद करेंगे पूरा फंदा बंद नहीं करना है एक साथ दो फंदे लेंगे दो को उल्टा बना देंगे इस तरह से उल्टा बुनते हुए बुन, बुन लेना है फंदा से सॉरी स्लाई पे रख लेंगे फिर से दो फंदे लेंगे बुनेंगे फंदा इसी पे रखेंगे फिर दो फंदे लेंगे इस तरह से इसमें कलर चेंज होगी जब हमारा अंगूठा और उंगलियां ये दोनों बन जाएगी उसके बाद हम यहाँ पे कलर चेंज करते हुए उस डिजाइन को इसमें डालेंगे तो ध्यान से देखिएगा अभी तो अंगूठा तैयार होने को आया है देखिए इस तरह से अब इधर से क्या करेंगे सीधी तरह से इस पहले फंदे के ऊपर से सभी फंदे को गिरा देंगे तो टोटल यहाँ पे हमारे आठ फंदे हैं अठारह फंदे थे हमारे पास तो अठारह में से आठ फंदे को हमने घटा दिया टोटल अब हमारे पास आठ फंदे रह गए हैं तो चार और चार आठ ठीक है अब इस फंदे के ऊपर से हम सारे फंदे को गिरा देंगे इस तरह से ये लिया हमने इस फंदे को इसके ऊपर से इस तरह से गिरा देंगे बहुत ईजी इस तरह से करेंगे तो ज्यादा दिक्कत भी नहीं होगी कि इधर से चार फंदे घटाने इधर से चार फंदे ऐसा नहीं है बस दो का एक करते हुए उल्टे साइड से कंप्लीट हो जाने के बाद आप घटा लें और इस तरह से सारे फंदों को इसके ऊपर से गिरा दें इसकी गुलाई बहुत ही अच्छी आती है ये इस फंदे को भी इसके ऊपर से गिरा देंगे लास्ट का फंदा जो होगा इसे हम इस तरह से सीधा बना लेंगे ठीक है जैसे सीधा बुनते हैं उस टाइप से इसे बुन लेंगे अब इस वाले फंदे को लंबा करेंगे थोड़ा सा ताकि अंगूठा सिलने की हमारे लिए होना चाहिए धागा और इतना करने के बाद हम काट लेंगे तो यहाँ पे देखिए हमने अंगूठा को इस तरह से बना लिया इसकी गोलाई देख सकते हैं अब यहाँ पे हम धागे को जोड़ेंगे ये जो हमारे यहाँ पे है इस तरह से लेंगे और यहाँ से हम धागे को जोड़ते हुए दो सिलाइयाँ यहाँ पे हम सीधी उल्टी बना लेते हैं उसके बाद फंदों को घटाना बताएंगे आपको इस तरह से ले लेंगे अब ये जो फंदा है इसके ऊपर से ऐसे ले लेना है क्रॉस कर लेना पीछे तरफ से ताकि ये साथ में चले और सामने ना दिखे या खुलने का भी डर नहीं रहता है ऐसे लिए हमने फिर से इसे बुनेंगे और इस धागे को इसके ऊपर से चढ़ा लेंगे ऐसे और इसे बुन लेंगे तो पीछे साइड से हमारा ये फंदा दब जाएगा अब इन सारे फंदों को हम पहले सीधा सीधा बना लेते हैं पूरी सिलाई उल्टे साइड से पूरा उल्टा उसका सीधे तरफ से दिखाती हूँ तो यहाँ पे देखिए सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है एक सीधी और एक उल्टी की हमने कंप्लीट कर ली हुई है अब यहाँ पे देखिए पंद्रह फंदे इधर बुनेंगे पंद्रह फंदे इधर बीच के तीन फंदों में हम यहाँ पे फली बनाएंगे यानी कि तीन फंदों का एक फंदा करेंगे ठीक है तो पहला फंदा उतार लेते हैं यहाँ से पंद्रह फंदों को बुनेंगे एक हमने उतारा ये दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह पंद्रह फंदे हमने बुन लिए पंद्रह फंदे इधर भी छोड़ देंगे दो चार छः आठ दस बारह चौदह और एक पंद्रह बीच में तीन फंदे हैं अब देखिए तीन फंदों में से किस तरह से हर बार आपको मैं बताती हूँ तो सेम इसी तरह से बनाना है आपको इन तीन फंदों में से जो बीच का फंदा है देखिए अब सिलाई को इस बीच वाले फंदे को लेंगे और ये वाला फंदा इसे इस तरह से ले लेंगे और इसे फंदे को उतार लेना इन दो फंदों को ऐसे उतारा अब इस तरह से घुमाते हुए इस फंदे को सिलाई को देखिए ये वाला ऐसे लेंगे इसमें डालेंगे ऐसे डाला हमने इसमें और इसके साथ मिलाते हुए एक फंदा जो हमने इधर छोड़ दिया था पीछे साइड इस तरह से करते हुए पीछे साइड से तीन का एक कर देंगे यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे हमारी जैसे सीधी सिलाई बनती है उस तरह से हमारी एक बड़ी सी यहाँ पे सीधी सिलाई बन जाती है ठीक है बाकी बचे फंदों को हम यहाँ पे हम सीधा सीधा बना लेंगे और उल्टे साइड से उल्टा उल्टा बना लेते हैं फिर एक बार और दिखाती हूँ कि किस तरह से फली बनेगी अब देखिए सीधी तरफ आ गए हैं उल्टा लाइन बुनते हुए अब यहाँ पे देखिए चौदह फंदों को बुनेंगे दो चार छ आठ दस बारह और ये चौदह चौदह फंदों को बुनने के बाद फिर से हम यहाँ पे फंदे को घटाएंगे तो देखिए किस तरह से घटाएंगे फिर से एक बार देख लीजिए अब देखिए बीच वाला फली आपको दिख रही है ये वाली बड़ी वाली तो क्या करेंगे इसे फिर से हम इस तरह से लेंगे बीच वाले फंदे को इन तीन फंदों को घटाना है तो बीच वाले फंदे से इस तरह से पकड़ेंगे उतारना है हमें वापस से इस सलाई पर चढ़ाएंगे लेकिन फंदे को घुमाते हुए ठीक है फिर जो हमने एक फंदा और पीछे छोड़ दिया था इन तीनों को एक साथ लेते हुए यहाँ पे हम सीधा बना लेंगे ठीक है बाद बाकी फंदे को हम यहाँ पे सीधा सीधा बनाएंगे उल्टे तरफ से उल्टा फंदा बना लेंगे चारों सभी उल्टे उल्टे इसी तरह से करते हुए टोटल आपकी जितनी मैंने यहाँ पे अंगली अंगूठे के लिए बनाई हुई है सिलाई उतनी सिलाई आपको यहाँ पे करना है ठीक है चाहे आपके लास्ट में बारह फंदे बचे पंद्रह फंदे बचे जितनी भी हो लेकिन यहाँ पे सिलाइयाँ आपको चौदह से पंद्रह लाइनें कंप्लीट करनी है जैसे दो सिलाई हमने यहाँ पर कम्प्लीट कर ली हुई थी यहाँ पर कितनी बनी हुई है एक दो तीन चार पाँच ठीक है तो और हम यहाँ पर पाँच हो गई यानी नौ सिलाइयाँ और हम कम्प्लीट कर लेते हैं ठीक है सीधी तरफ से घटाएंगे उल्टी तरफ से प्लेन बनेंगे फिर सीधी तरफ से ये वाले फंदे और इनके अगल बगल वाले फंदे ठीक है इसके नेक्स्ट राउंड में हम तेरह फंदों के बाद घटाई करेंगे फिर बारह फंदों के बाद उसके बाद ग्यारह फंदों के बाद फिर दस फंदों के बाद इस तरह से घटाते हुए जाएंगे तो कंप्लीट करते हुए फिर दिखाती हूँ तो देखिए इसकी बुनाई हमारी कंप्लीट हो गई टोटल हमारे यहाँ पर उन्नीस फंदे बचे हुए हैं ठीक है अब उल्टे साइड से हम यहाँ पर दो का एक करते हुए फंदे को बंद कर देंगे दो फंदे एक साथ लेंगे हम दो का एक करेंगे वापस से फंदा इस पे चढ़ाएंगे दो का एक करेंगे अब यहाँ पे सारे फंदों को बंद कर लेंगे चलिए पहले बंद कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ इसी तरह से बंद करना है आपको अब आप देखिए इसकी सिलाई किस तरह से करना है इसे हमें ऐसे रखना है ठीक है इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे फोल्ड करने के बाद ये जो धागा हमने छोड़ा हुआ था लंबा धागा इसी में सुई आपको पिरोना है और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक जहाँ हमने कट लगा हुआ है यहाँ से यहाँ तक इसकी सिलाई करेंगे फिर इसे फोल्ड करेंगे फोल्ड करने के बाद देखिए यहाँ से यहाँ तक सिलेंगे और यहाँ से सिलते हुए हम यहाँ तक आएंगे ठीक है यहाँ तक सिल लेने के बाद फिर यहाँ से हमारी दूसरा कलर जुड़ेगी उसके बाद आगे की डिज़ाइन बनेगी फिर दिखाती हूँ आपको ये सिल लेती हूँ इधर सेधर और यहाँ से यहाँ फिर दिखाती हूँ तो देखिए इसकी सिलाई हो गई अब इसे हम सीधा कर लेते हैं इस तरह से सीधा कर लिया हमने अब देखिए क्या करना है हमें और जो हमारे दोनों साइड चेन दिख रही है देखिए जो हमने चेन उठाए थे ठीक है देखिए ध्यान से देखिए दोनों साइड जो हमारी चेन दिख रही है इन चेनों में से हमें फंदे उठाने हैं और बीच में से एक फंदा उठाना है ठीक है तो इस तरह से रखेंगे हम इसे देखिए इधर से दिखे, दो चेन लेना है हमें ये जो बीच में हमने सिलाई किया हुआ इसमें से एक फंदा उठाएंगे और दो हम इधर से उठाएंगे चेन में से देखिए एक इस चेन में से उठाएंगे और एक जस्ट इसके पास में जैन ये वाली ये और ये ठीक है और फिर इधर से एक और ये दो इधर और बीच में एक तो इस तरह से ले लेते हैं पहले हम यहाँ पर ऐसे सीधे तरफ से डालेंगे अब यहाँ पे हम कलर चेंज कर लेते हैं ऐसे लिया हमने एक फंदा ठीक है यहाँ एक फंदा उठा लिया हमने ध्यान से देखिएगा के बगल में चेन है इसमें भी हम डालेंगे यहाँ पर एक फंदा उठाएंगे ये दो हो गए अब जो बीच में हमने सिलाई की हुई थी इसमें से डालेंगे यहाँ यहाँ से एक फंदा उठाएंगे इस फंदे को टाइट कर ले क्या क्या हमने गांठ नहीं लगाया वैसे लिए, यहाँ ले लिया हमने यहाँ से एक फंदा तीन हो गई फिर देखे यहाँ पे दो एक ये चेन दिख रही है देखिए ये चेन और फिर ये चेन बीच में जहाँ सिलाई किया उसके अगल बगल के चेन को लेना है दोनों साइड से इधर से भी और इधर से भी यहाँ से एक फंदा लिया चार फिर एक फंदा एक और लेंगे इधर टोटल हो गई पाँच ठीक है इस वाले फंदे को थोड़ा सा टाइट कर देंगे हम पांच फंदे हमारे उठ गए हैं एक दो तीन चार पाँच देखिए अब इधर से क्या करेंगे पलट जाएंगे अब इधर से सारे फंदों को हम उल्टा उल्टा बना लेंगे उल्टे साइड आ गए इधर से उल्टा बना लेंगे इस तरह से सारे फंदों को उल्टा बनाएंगे ये पांच फंदे हमने उल्टे बना लिए ठीक है देखिए पांच फंदे उल्टे बनाए अब देखिए उल्टे साइड है तो उल्टे साइड भी हम दो फंदा यहाँ पे बढ़ाएंगे तो इस तरह से लेंगे हम देखिए इस फंदे में से तो हमने बुनाई किया ऐसे लेंगे हम ऐसे इस तरह से डालना सिलाई पर देखिए ऐसे अब यहाँ से एक फंदा बढ़ा लेंगे एक हो गया फिर इसके एक और अगले वाली चेन में डालेंगे और यहाँ भी एक फंदा बढ़ा लेंगे इस तरह से देखिए तो टोटल अब हमारे पास सात फंदे रह गए एक दो तीन चार पाँच छः और ये सात क्योंकि सीधा बुनते हमने फंदे को उठाया था उल्टा बुनते हैं पाँच फंदे बुने फिर इस साइड से हमने दो फंदे उठा लिए अब इधर पलट जाएंगे हम अब देखिए अब ध्यान से देखिएगा बस इसी जगह पे थोड़ा सा आपको समझना है कि किस तरह से बनाना है तो पहला फंदों को बुनेंगे दूसरा फंदा भी बुनेंगे ठीक है अब इधर के भी जो दो फंदे हैं इसे भी बुनेंगे और बीच के जो तीन फंदे इन तीन फंदों में से हम फली बनाएंगे ठीक है देखिए फली कैसे बनाएंगे हम जैसे हम अंगूठा घटा रहे थे अंगूठा ने उंगली किस तरह से घटाते से हैं सेम उसी तरह से करना है इन तीन फंदों में दो सात फंदों में से दो फंदे है, बुने हैं दो साइड के बुने हैं अब तीन में से हम फली बनाएंगे तो बीच का फंदा इस तरह से उतारना है आपको वापस इस सिलाई पर लेना है और एक फंदा और लेते हुए तीन का एक कर देंगे हम यहाँ पे तीन का एक कर दिया बीच में हमारी फली बन गई लास्ट में दो फंदे आपके आएंगे इन दो को भी आपको सीधा बना लेना है ठीक है अब इस साइड भी दो फंदे आपको लेने हैं चेन में से देखिए ये चेन में डालेंगे ये जो चेन दिख रही है इसमें डालेंगे यहाँ से इस तरह से फंदा लेंगे एक बुन लिए फिर उसके नेक्स्ट वाली चेन है यहाँ भी एक फंदा लेंगे यहाँ से निकालेंगे ऐसे बुनते हुए देखिए ठीक है और फिर उलट जाएंगे अब इधर आपको पलट जाना है यानी उल्टे साइड उल्टे साइड फिर इधर से बुनते हुए जाएंगे फिर यहाँ से दो फंदे उठाएंगे इस तरह से लेंगे बुन लिया अब देखिए दो फंदे इधर से उठाएंगे तो इस चेन में ऐसे डालेंगे हम सिलाई को ऐसे इधर से डालना सीधे तरफ से जैसे इस तरह से मुड़ते हुए ताकि इधर से फंदे उठाएं तो धागा हमारा इधर ही रहे इसलिए हमने एक फंदा उठाया फिर उसके नेक्स्ट वाली चेन पे जाएंगे इसमें और यहां भी एक फंदा उठा लेंगे हम इस तरह से दो फंदे उठ गए जब भी फंदे हमें घटाने हैं सीधे साइड में ही हमें घटाने तो जरूरी नहीं है कि हर बार हम फली बनाएं एक दो लाइन छोड़ते हुए भी हम बनाएंगे क्योंकि हमें ये ऊपर तक आना है यहाँ तक उठाते हुए आना जहाँ तक हमारी शुरुआत हुई है यहाँ तक ठीक है तो देखिए पहला फंदा बुन लेंगे हम सीधा बुना दूसरा फंदा भी सीधा बुना अब देखिए तीन फंदे बुनेंगे फली के अगल बगल को फंदे को लेते हुए हमें घटाना है ये बीच वाली फली है हमारी तो एक दो और ये तीन इन तीन फंदों में फिर से हम घटाई करेंगे तो इस तरह से लेना है इस फंदे को पहले उतारेंगे वापस सिलाई पर चढ़ाएँगे इस तरह से घुमाते हुए फंदों को और एक फंदा और ले लेंगे हम और इन तीन फंदों को एक फंदा बना देंगे यहाँ पे लास्ट में बचे आपके तीन फंदे तीनों को सीधा बनाएंगे फिर से हम दो फंदे साइड से उठाएंगे देखिए से बना लिया अब साइड से फिर से हम फंदे उठाएंगे यहाँ पे इस तरह से लेंगे इस वाले चैन पे डालेंगे यहाँ से एक फंदा उठाया फिर उसके नेक्स्ट वाले चैन पे जाएंगे यहाँ भी एक फंदा उठाएंगे हम ठीक है इस तरह से ये बनती हुई आएगी देखिए फिर उलट उलड़ जाएंगे उलटते हुए फिर से हम इसी तरह से करेंगे बहुत ही खूबसूरत लगती है ये सॉक्स एक बार जरूर ट्राई करें आप लोग बनाना भी बहुत ईजी है जैसे सिंपल बनाते हैं बस उसी तरह से बनाना है सिलाई करने के बाद बस फंदों को किधर से उठाना ये तो सिर्फ ध्यान रखें आप उल्टी तरफ से कोई भी हम फंदा नहीं घटाएंगे फिर इधर से बुनते हुए जाएंगे लास्ट में फिर से हम दो फंदे उठाएंगे देखिए इस तरह से हमने इसे बुन लिए अब यहाँ से दो फंदे उठाएंगे देखिए चेन दिख रही है ये वाली चेन ये इस तरह से लिया हमने यहाँ पे एक फंदा निकालेंगे फिर उसकी अगली वाली चेन में डालेंगे यहाँ भी एक फंदा उठाएंगे उल्टी तरफ से इधर उठाएंगे फंदा सीधी तरफ से इधर से बुनते आएंगे फिर इधर फंदा उठाएंगे ठीक है ये ध्यान रखना आपको तो चलिए इसी तरह से उठा लेते हैं बीच में घटाएंगे हम बीच में इस सीधे वाले फंदे के अगल बगल के फंदे को घटाना है एक बार ठीक से दिखा देती हूँ आपको ये जो सीधी वाली फंदी दिख रही है इसके अगल बगल के फंदे घटाने हैं पहले इन दो फंदों को उतारेंगे फिर वापस से इन दो फंदों को ट्विस्ट करके घुमाना है फिर ये वाले फंदे साथ में लेते हुए तीन का एक कर देना ठीक है तो चलिए करती हूँ आगे का बुनाई इसी तरह से आपको लेना है बुनते हुए जाएंगे यहाँ पे घटाना है फिर इधर बुनेंगे फिर से इधर दो फंदे लेंगे इसी तरह से करते हुए तो कर लेती फिर आगे दिखाती हूँ आपको तो देखिए फंदे घटाते हुए हमने यहाँ तक पहुँच गए अभी भी फंदे बाकी हैं तो आगे किस तरह से करना है वो पहले देख लीजिए तो यहाँ से देखिए इन स्टेप से नाप के बता देती हूँ साढ़े तीन इंच तक हमने इसकी बुनाई कर ली हुई है यहाँ से यहाँ तक टोटल यहाँ पे जो हमारे फंदे घटाते हुए देखिए कितनी है इसमें दो फंदे हमने उल्टी तरफ़ से भी उठाए हुए हैं तो वैसे भी, भी काउंट कर लेंगे दो चार छः आठ दस बारह चौदह सोलह अठारह बीस बाईस चौबीस छब्बीस और एक सत्ताईस ठीक है सत्ताईस फंदे हमने यहाँ पे उठा लिए अब अब यहाँ पे कोई भी हम फंदे अब नहीं घटाएंगे अब यहाँ से बुनाई करते हुए जाएंगे इधर भी फंदे उठाएंगे फिर बुनाई करते हुए जाएंगे इधर भी फंदे उठाएंगे लेकिन बीच में जो हम यहाँ पे तीन फंदों का एक फंदा कर रहे थे अब उसे हमें नहीं करना है ठीक है सिंपल सिंपल बुनाई करते हुए जब तक कि दोनों साइड के सारे फंदे ख़त्म ना हो जाए तब तक हमें इसकी बुनाई करनी है ठीक है तो इतना कर लेते हैं इतना कर लेने के बाद फिर हम आगे की इसकी बुनाई करेंगे जो भी फंदे आपके पास आएंगे यहाँ पे येलो कलर में उसके बाद हम यहाँ पे दिखाते हैं तो चलिए अब कोई भी फंदे यहाँ पे नहीं घटाएंगे कंप्लीट करती हूँ सारे फंदों को यहाँ से यहाँ तक उठाती हूँ दोनों साइड से बुनते हुए फिर आगे दिखाती हूँ तो यहाँ पे देखें सारे फंदे हमने उठा लिए जितने भी हमारे साइड से थे इधर हमने उठा लिए एक भी फंदा नहीं है ठीक है तो टोटल हमारे यहाँ पर फोर्टी थ्री फंदे बन के आए हैं यानी त्यालीस फंदे अब क्या करना है ये फली को अगर आप हर लाइन में बनाती हैं तो आपको ये क्या है कि ऊपर तक थोड़ी सी ये चौड़ाई कम लगेगी ऊपर तक जाना तो क्या करना है कि एक लाइन आपको प्लेन बनाना है एक लाइन सीधे तरफ आप नहीं घटाइएगा एक साइड फिर घटाइएगा उल्टे साइड तो कोई घटाते ही नहीं है सीधे तरफ घटा रहे थे तो एक बार सीधी तरफ घटाइएगा और एक बार प्लेन बुन लीजिएगा सारे फंदों को नॉर्मल जैसे बुनते उस तरह से फिर जब तीसरी तीसरी सिलाई आएगी उसमें फिर हम तीन फंदों का एक फंदा करेंगे तो फिर इसकी लंबाई थोड़ी सी ऊपर तक चली जाएगी फिर खींचा हुआ ये नहीं दिखेगा लेकिन ऐसे देखिए किस तरह खूबसूरत सा बन के आया है ये अब इतने फंदे बुन लेने के बाद आपको अब देखिए क्या करना है अब यहाँ से बॉर्डर बनाना है आपको ठीक है बॉर्डर दो उल्टे दो सीधे का यहाँ पे बॉर्डर बनाएंगे हम इस तरह से दो सीधी तरफ आ गए हैं तो दो फंदे सीधे लेंगे हम यहाँ पे बॉर्डर और दो उल्टे इस तरह का बॉर्डर बनाएंगे हम दो सीधे बनाए हमने अब दो उल्टे बनाएंगे एक और ये दो फिर धागा पीछे करेंगे दो सीधे धागा अपनी और दो उल्टे इस तरह से करते हुए बॉर्डर की लंबाई हम यानी कि एक से डेढ़ इंच या दो इंच के आसपास हम इसकी बॉर्डर की लंबाई रखेंगे तो चलिए उतना लंबाई कर लेती हूँ फिर आगे, आगे आपको दिखाती हूँ कि कैसे इसकी सिलाई करनी है तो देखिए इसकी बॉर्डर लाइन यहाँ तक कंप्लीट हो गई आप चाहें तो और भी इस बॉर्डर लाइन को ऊपर तक बना सकती हैं ताकि पैर के हमारा एंकल लेंथ एकदम ऊपर तक आ जाए एकदम ठीक है इतना बुनने के बाद हम उल्टे साइड से दो का एक करते हुए फंदे को बंद करेंगे दो फंदे एक साथ लेंगे हम वापस से फंदा सिलाई पे चढ़ाएंगे फिर एक फंदा और लेंगे इन दो को एक साथ लेंगे दो का एक कर देंगे फिर से वापस से फंदा चढ़ाएंगे इस तरह से करते हुए सारे फंदों को हम यहाँ पे बंद कर लेंगे फिर सिलने का तरीका दिखाती हूँ आपको चलिए पूरा खत्म कर लेती हूँ बंद करके तो देखिए सॉक्स को हमने इसे उल्टा कर लिया सारे फंदों को हमने यहाँ पे बंद कर लिया सुई पे धागे हमने यहाँ पे डाल लिए अब देखिए इसे इस तरह से रखेंगे ठीक है देखिए ये बॉर्डर वाला पार्ट सीधा अंदर है इसे ऐसे रखना है आपको ठीक है ऐसे रखने के बाद देखिए जो हमने बॉर्डर पार्ट बनाया है ये देखिए ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक सिलेंगे येलो कलर से फिर नीचे हम यहाँ से पर्पल से यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेंगे ठीक है नॉर्मल से सिलाई है जैसे हम सिलते हैं बस उसी तरह से हर बार जैसे मैं दिखाती हूँ आपको ऐसे लिया हमने फर्स्ट वाले चेन पे यहाँ पे डालेंगे और एक गांठ लगाते हुए यहाँ पे हम इसे फंदे को टाइट कर लेंगे ऐसे एक बार यहाँ पे चेन लगा लें ऐसे ऐसे कर लिया हमने और आपस में मिलाते हुए सिलेंगे इधर उधर नहीं करना है आपको नहीं तो फिर अच्छी नहीं लगेगी ऐसे लिया हमने इस तरह से निकालेंगे फिर इसके नेक्स्ट वाले चेन पर डालेंगे इस तरह से निकालेंगे ऐसे करते हुए पूरी सिलाई हम यहाँ पर कम्प्लीट करते हैं और इधर से फिर हम यहाँ पे पर्पल से लेते हैं यहाँ से इसकी नीचे तक सिलाई करते हैं ठीक है ये भाग हमारा खुला रह जाएगा ऊपर का भाग तो चलिए करती हूँ फिर दिखाती हूँ तो यहाँ पे देखिए हमने ये सॉक्स को सीधा करते हुए अपने पैरों में पहन लिया है नीचे साइड भी देख सकते हैं इसकी ये जो देखिए बहुत ही अच्छी फिटिंग आई है इस तरह से कुछ ऊपर तक ये बन के आई है कैमरे में आ नहीं रही है ऊपर एंकल लेंथ से बहुत ही ऊपर आई है जो हमने ये बॉर्डर बनाई थी देख सकते हैं कितनी दूर है और ये ऊपर कितनी दूर चढ़ी हुई है और बहुत ही आरामदायक और बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है ये तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दें आप लोग और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें तो मिलते फिर कुछ न्यू वीडियो के साथ थैंक यू